147 जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों नगरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्वारी घाट आश्रम के नेतृत्व में एक भव्य जल शोभा यात्रा जो हम लोग की ब्रह्मेश अम्बेडकर चौक से निकलती है, इस वर्ष भी उसी प्रकार से शोभा यात्रा हम लोग की निकल रही है और जो अम्बेडकर चौक से होकर हमारी ग्वारी घाट में जाके समापन होगी। इस प्रकार से हमारे जो कार्यक्रम हैं, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो राज्यपाल से सम्मानित हैं शास्त्री हरि महाराज शास्त्री जी, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और आ रहे हैं। इसमें उनके उद्बोधन होंगे। जैसे हमारे गुरु रविदास जी ने मानवता की बात ब्रह्मेश करी है, इसी प्रकार से हम लोग इस जन जन में फैलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस देश का संविधान बाबा साहब ने दिया है समानता के लिए, ऐसे ही संविधान के माध्यम से इस देश में गुरु जी की वाणियाँ भी हैं कि समानता होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, जन जन तक ये हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। और रविदास जयंती के अवसर पर ब्रह्मेश हमारा ग्वारी घाट आश्रम इसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम करता है। यही मैं बालकृष्ण चौधरी जग पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है जोधपुर में वैसी दिल्ली में भी मनाई जाती है। साथियों, हमारा देश का कुछ फोटो रखते रहे हैं, थोड़ी महंगी होती है, इसलिए ना कटार भी रखते वाले घाट में मूर्तियों की स्थापना की जाती है, जो कि 15 दिन रखी जाती है, उनको साल वगैरह होता है। करीब 2 लाख पब्लिक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हम करना चाहते हैं। मैं टीकाराम रवि, अध्यक्ष संत रविदास आश्रम ग्वारी घाट।